नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तराखंड उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ स्वाति आगे। हमारे खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और सीधा रुख सबसे पहले लखनऊ का करेंगे, जहां पर नहर में पिकअप वैन गिर गई और इस हादसे के बाद अभी भी बचाव अभियान जारी है। मौके पर जिले के सभी अधिकारी पहुंचे हुए हैं, कमिश्नर अनिल गर्ग, आईजी एसके भगत, एसएसपी कलानिधि नथानी, इसी के साथ ही डीएम कौशल राज शर्मा भी मौके पर मौजूद है। इसी के साथ ही तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें कि अभी भी राहत और बचाव कार्य जारी है, रेस्क्यू किया जा रहा है 7 बच्चों को। बिल्कुल, आपको बता दें कि जो घटना हुई थी राजधानी लखनऊ के इंदिरा नहर में, जो बच्चे डूबे हैं पिकअप वैन से, उसको जिस जगह पे हम इस समय मौजूद हैं, यहाँ आप देख सकते हैं बैराज है जहाँ पे जाल लगाया गया है जिससे आगे बहकर ना जा सके, जो भी बॉडीज़ हैं वो आगे बहकर ना जा सके, इसके लिए यहाँ पर जाल लगाया गया है। यहाँ तक आपको हम दिखाना चाहेंगे, एनडीआरएफ की टीम यहाँ तक सर्च ऑपरेशन कर रही है लगातार। एनडीआरएफ की टीम और जो यहाँ के स्थानीय गोताखोर हैं वो भी लगे हुए हैं यहाँ पर, अभी आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो कमिश्नर हैं, कमिश्नर और आईजी और एसएसपी डीएम सभी, लगभग सारा प्रशासनिक अमला और पुलिस का अमला लगभग सभी यहाँ पर इकट्ठा है, मौजूद है और लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो बच्चे पानी में डूबे हैं उनको जल्द से जल्द रिकवर किया जाए, उनको निकाला जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी टीमें हैं सब लगी हुई हैं और कोशिश जारी है। आपको बता दें कि लगभग 8.5 से 9 घंटे होने को हैं और अभी तक कोई सफलता नहीं हाथ लगी है, लगातार रेस्क्यू चल रहा है। हमारे सामने देख सकते हैं एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है और यहाँ पर जाल भी लगाया गया है और हमारे साथ में यहाँ पर तमाम प्रशासनिक अमला है, मौके पर कमिश्नर भी मौजूद हैं, आईजी साहब भी मौजूद हैं, सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तो सर, क्या लगता है इतना टाइम हो गया है, अभी और कितना समय लग सकता है? ये घटना रात की है, यहाँ पे एनडीआरएफ की टीम भी है, एसडीआरएफ की टीम भी है, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी यहाँ पे, एडीजी साहब और आईजी साहब भी मौजूद हैं यहाँ पे, एसएसपी डीएम भी हैं और तमाम जिलों के जो गोताखोर उनको भी लगाया गया है। यहाँ पे जहाँ पे हम लोग खड़े हैं अभी, ये रेगुलेटर है और यहाँ से राइट ब्रिज शुरू हुआ था। पानी का बहाव जो है बहुत फास्ट है यहाँ पे, इरीगेशन के डिपार्टमेंट के अधिकारी कह रहे हैं कि हो सकता है बॉडीज नीचे से भी जा सकती है, तो रायबरेली जिले के भी जो अधिकारी हैं वो भी अलर्ट पे किए गए हैं। मुख्य अभियंता इरीगेशन भी आ गए हैं, उनके द्वारा पानी को पीछे से डाइवर्ट किया गया है 3 डिफरेंट इरीगेशन के किनारे में, उससे लगभग 3-4 घंटे में पानी का स्तर कम होगा, उस कम होने के बाद और इसमें बॉडीज को ढूंढने में राहत मिलेगी, जल्दी काम होगा, ये वर्तमान में स्थिति है। सर, अगर हम बात करें तो जो परिजन है काफ़ी परेशान है। देखिए, हादसा दुखद है, रात को 3 बजे ये शादी के किसी समारोह से अपना आ रहे थे और किन कारणों से घटना हुई उसकी और चेकिंग बाद में होगी, लेकिन हमारी पूरी सांत्वना है और हम लोग सभी इसी लगे हुए हैं कि बॉडी जल्दी से जल्दी मिले। बिल्कुल, यहाँ देख सकते हैं कि पूरा प्रशासनिक अमला और पुलिस का अमला लगा हुआ है, एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है। जैसा कि बताया कि पानी का फ्लो कम करने के लिए इरिगेशन डिपार्टमेंट से भी बात हुई है और वहाँ के भी सारी जो भी अधिकारी हैं वो मौके पर आए हुए हैं और फ्लो कम करने के लिए कई नहरों में पानी को डाइवर्ट किया जा रहा है जिससे पानी का फ्लो कम हो सके और बॉडियों को जो रिकवर करने में आसानी हो सके। लखनऊ से इंडिया न्यूज़ के लिए जय शुक्ला। जानकारी के साथ जय शुक्ला। हमारे साथ यहाँ पर हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। जय, अभी अगर स्थिति की बात की जाए, अपडेट क्या कुछ मिल पा रहा है? प्रशासनिक अमला मौके पर मौजूद है, तमाम टीमें मौके पर मौजूद है, चाहे वो एसडीआरएफ की बात की जाए, एनडीआरएफ की बात की जाए, क्या कुछ कहा जा रहा है? हाँ बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरह से 3 बजे को ये हादसा हुआ, रात 3 बजे हादसा हुआ, उसके बाद लोकल प्रशासन, पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा है और जो 29 लोग टोटल उस पिकअप वैन में सवार थे जिसमें से 22 लोगों को बचा लिया गया है, बाकी 7 जो बच्चे थे वो मिसिंग थे, उसके लिए रिकवरी के लिए लगातार जो एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है और जो यहाँ के लोकल गोताखोर हैं उनको लगाया गया है, कड़ी मशक्कत कर रहे हैं। लगभग 9 घंटे से ऊपर बीत चुका है लेकिन अभी भी अगर हम बात करें तो उनके हाथ अभी भी खाली हैं, लेकिन अभी भी प्रयास जारी है, लगातार जो टीमें हैं वो बारी बारी करके सर्च ऑपरेशन चला रही हैं, सारा प्रशासनिक अमला यहाँ पर मौजूद है, सारे जो भी अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर आ गए हैं और जो सबसे बड़ी बात है जो परिजन है, बच्चों के जो परिजन हैं उनका रूट